इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छलकना बजा दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की। रोहित शर्मा के तो खैर किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसके बारे में बात कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा तो सीधा घर में आके घुस के जो है ना वो रॉकेट लॉन्चर चला देगा कोई उसके खिलाफ बात करता है तो। लेकिन शुभमन गिल जिसके ऊपर प्रेशर था बहुत लंबे अरसे से, उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही थी जिस किस्म का वो खिलाड़ी है। लेकिन भाई अगर आप इसी सीरीज की बात करते तो इस सीरीज में भी बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे घंटे आए मतलब जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हग कर आए तीनों तीनों टेस्ट मैच में। शुभमन गिल ने उनसे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, शुभमन गिल ने उनसे कई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जनाब कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बजा के चले गए। क्या कमाल की जो आज के पहले सेशन में इंडिया ने बैटिंग की है, 264 पे इंडिया का एक खिलाड़ी आउट, कल 135 पे एक खिलाड़ी आउट था और आज भी अगर देखा जाए तो 264 पे इंडिया का एक ही खिलाड़ी आउट है। और क्या कमाल की बैटिंग किया रोहित शर्मा ने और साथ में क्या कमाल की बैटिंग किया प्रिंस गिल ने, दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के, बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के सर, बोरी में डाल के मारा, बोरी है क्या ना जो बोरी, समझ लो ये बोरी है, बोरी में डाल देना और ये लेके डेढ़ फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ पकड़ के मारा, इनकी बेस बॉल को मारा, ये जितने भी बहन के डकिट और बहन के स्टोक को ना इनको पकड़ के डंडा इनको बजा के मारा है। क्योंकि भाई अंदाजा लगा लो के रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था, क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था, साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर है। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले एक दो टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। भाई साहब मानना पड़ेगा वही पिच वही कंडीशन सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी तीन फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की। और मैं यहां पे रोहित शर्मा से ना खुश हूं, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए, जितने पास उसके पास टाइमिंग है हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। देखिए जो भी है शुभमन गिल के ऊपर बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है हमें मानना पड़ेगा। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है, इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, मार मार के उल्ली निकाल दिया, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। रात को मैंने आपको बोला था कि शोएब बशीर ने जैसे जो जायसवाल को आउट करके सेलिब्रेट किया ना, इसको कल बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है, और आज चाहे रोहित शर्मा के हाथे चढ़ा चाहे वो शुभमन गिल के हाथे चढ़ा, उसको ही मार पड़ी है, छक्के जितने भी लगे हैं ना, ज्यादा छक्के उसको लगे। और शुभमन गिल टेस्ट का प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लग गए मतलब वो जितने लोग बकवास कर रहे थे आज उन लोगों को जो रमाटे और जो जनाटे मारे हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, अब कौन उनका जवाब देगा। औकात दिखा दी है यहाँ पर सबको, जितने भी हेटर्स थे सबको औकात दिखा दिया हिंदुस्तान के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा शुभमन गिल। इतना ज्यादा ये कल उछल रहा था ना, उतनी ज्यादा इसकी धुलाई हुई है, और मैंने कल ही आपको बोला था कि कल अभी रोहित शर्मा क्रीज पे है, कल जब ये आएगा तो इसको पता चलेगा कि भाई सेलिब्रेट करने का भी एक तरीका होता है विकेट लेके। और अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की बात करें, 101 रन, 142 बॉलें, 10 चौके और 5 छक्के, शुभमन गिल जो है इस पूरी इनिंग्स में किसी और ही लेवल नजर आ रहा था, जो जो बॉल मिला उठा के शुभमन गिल ने उसको जो है वो स्टैंड्स में फेंका भाई। और रोहित शर्मा की बात करें, 160 बॉलें, 102 रन, 13 चौके, 3 छक्के और कमाल लाजवाब किस्म की जो है रोहित शर्मा ने बैटिंग की है। और रोहित शर्मा इस टाइम अगर देखा जाए तो कप्तानी भी कमाल कर रहे हैं, बैटिंग भी कमाल कर रहे हैं, ये 12वीं रोहित शर्मा की सेंचुरी थी और शुभमन गिल की ये चौथी जो है वो टेस्ट की सेंचुरी थी। तो ये टेस्ट सीरीज जो है इंडिया के लिए बहुत कमाल की जाने वाली है, बल्कि अब चली गई आखिरी मैच है। आज रोहित शर्मा ने और गिल ने आगे जो सुबह देखो उन्होंने फंसाया नहीं, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया रोहित शर्मा को, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया गिल को, आगे प्रॉपर उन्होंने पहले थोड़ा टाइम लिया, पहले उसने थोड़ा टाइम लेके फिर बजाना शुरू कर दिया, और जो फिर गिल ने चौका मार के, देखो मैंने सारा मैच देखा, मैं देख रहा था बैठ के, देखो भाई सोया नहीं हूं मैं आज देख रहा था बैठ के, अब मैं आपको बताता हूँ, गिल ने जिस तरह चौका मार के फिर मैच फिनिश किया ना, प्रॉपर उसने बताया भाई हम बैच बॉल खेल रहे हैं, ये होती है बैच बॉल, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो रंडी रोना कहते हैं, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो कुछ और कहते हैं, बैच बॉल तो हम लोग खेल रहे हैं, बजाया तो हम लोग उन्हें पकड़ के आपको। अब इंडिया रोहित, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बैच बॉल
71 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, 65 का स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेल रहा है, ठीक है। बनके रोहित शर्मा ने ज्यादा जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, गिल ने भी बड़ी जबरदस्त की है, नहीं दोनों ने प्रॉपर क्लास किस्म की बैटिंग दिखाई है। 264 60 ओवरों में 264 और एक आउट है। इंग्लैंड का तो घंटा बज गया, उधर बैसबॉल का बज गया घंटा, निकलना माइकल वान नासर हुसैन बाहर निकलना। ये वो दो हरामी किस्म के बंदे हैं जिन्होंने बेटा बहुत जोर लगाया है कि हम अपनी स्टेटमेंट से इंडिया को हरा दें, हम अपने बयानातों से इंडिया को हरा दें। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट से इंडिया को हराने की भरपूर कोशिश की है, अपने स्टेटमेंट से इंडिया को हराने की भरपूर कोशिश की है। मेरे बहन के डकीट निकलना बाहर, अब जो तू कह रहा था कि इंडिया को हमने बेसबॉल खेलने पे मजबूर किया है, मेरा बहन के डकीट, तूने बात की थी ना ये कि हमने इंडिया को बेसबॉल खेलने पे मजबूर किया है, मेरे घंटे के डकीट उतर है। तूने रोहित शर्मा की क्लास नहीं देखी अभी तक, रोहित शर्मा जब मारता है ना बेटा वो फिर बॉलर भूल जाता है, रोहित शर्मा जब मारता है ना मारता है फिर बॉलर जो है ना बॉलर जिसको पढ़ रही होती है वो भी रोहित शर्मा की बैटिंग को देखता है कि ये हो क्या रहा है। टिपिकली जो बॉलर होता है ना, बॉलर जो बॉलिंग करवा रहा होता है वो भी रोहित शर्मा का फैन होता है अंदर से, वो पिट रहा होता है रोहित शर्मा से, लेकिन वो रोहित शर्मा की बैटिंग को इंजॉय कर रहा होता है, वो रोहित शर्मा की बैटिंग को इंजॉय कर रहा होता है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं।